चेहरे पर बेसन लगाने के अनोखे लाभ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा वीडियोस में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यदि आप भी बेसन का अपने चेहरे पर प्रयोग करते हैं तो यह किस प्रकार से आपकी स्किन के लिए प्रभावशाली है। यह आपकी न केवल स्किन को स्वस्थ बनाता है बल्कि स्किन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को भी दूर करता है। इस विषय में हम विस्तार से बात करेंगे, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी यह वीडियो यूजफुल लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और इस तरह की वीडियो समय समय पर दिखा सकें। सबसे पहले तो यदि आप बेसन को टमाटर के रस के साथ प्रयोग करते हैं तो यह न केवल आपकी डेड स्किन को निकालता है या आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाता है, क्योंकि टमाटर को एंटीबायोटिक और बेसन को एंटी एजिंग माना जाता है। जब ये इन दोनों का आप साथ में प्रयोग करते हैं तो यह आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और आपके पोर्स को खोलता है, जिससे आपके चेहरे पर पिंपल्स की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाती है। यदि आप बेसन को फेस पैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं या बेसन से अपने चेहरे को धोते हैं तो भी यह आपके चेहरे के कालेपन को और गंदगी को बहुत अच्छे तरीके से निकाल देता है। जिन लोगों को केमिकल सूट नहीं करता या वो केमिकल से दूर रहना चाहते हैं या ऐसे किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिनमें केमिकल की मात्रा अधिक हो, तो बेसन बेहद कारगर है। इसका पीएच लेवल भी आपकी स्किन को बैलेंस में रखता है। यदि आप इससे अपने चेहरे को धोते हैं तो यह आपके लिए बहुत गुणकारी होता है। यदि आप बेसन में थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी या चंदन मिलाते हैं और इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो यह बहुत अच्छा फेस पैक भी माना जाता है। यदि आप इसे थोड़ा और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बनाना पल्प या फिर पपाया पल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन के एंटी एजिंग गुण को आप एक और रूप में यूज में ला सकते हैं। यदि इसमें आप कच्चा दूध मिलाते हैं तो यह आपके मेकअप रिमूवल का भी काम करता है और आपकी स्किन पे जमे हुए केमिकल को भी हटाता है। इसके साथ यदि आप बेसन में गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं तो यह न केवल आपकी स्किन को ठंडा देता है बल्कि यह आपके दाग धब्बों को भी कम करता है। बेसन में मिलाया हुआ दही, नींबू का रस आपकी स्किन की टैनिंग को खत्म करने के साथ ही ग्लो का भी कारण बनता है। तो यदि आपको अपने चेहरे पर ग्लो लाना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो अपनाएं यह घरेलू नुस्खे और करें बेसन का अपने घर में इस्तेमाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।